स्वागत है आज के नए वीडियो के साथ दोस्तों। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं सुरेंद्र टेक्निकल टिप्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण शौचालय के लिस्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपको अभी तक शौचालय नहीं मिला है तो आप देख सकते हैं कि हमारा नाम शौचालय की लिस्ट में है कि नहीं है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें और उसके बगल में बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि जब कोई वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए। तो दोस्तों हम गूगल में टाइप करेंगे SBM। जैसे हम SBM को सर्च करेंगे तो हमारे सामने स्वच्छ भारत मिशन की सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगी, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट ओपन होगी। आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा है SBMG@a glance और उसके राइट साइड में आपको दिख रहा है रिपोर्ट का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको रिपोर्ट ऑप्शन के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्वच्छ भारत मिशन टारगेट वेस्ट, और आपको इसी पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है सेलेक्ट स्टेट करने के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट स्टेट करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो हम अपने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट फैज़ाबाद है तो हम अपने फैज़ाबाद को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट करना है ब्लॉक, तो ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लें। हमारा ब्लॉक अमानीगंज, तो अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको जब इस तीनों सेलेक्ट कर लेना होगा तो आपको बी रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम बी रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो अमानीगंज ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि हमारा गाँव अटेसर है तो हम अपने अटेसर की लिस्ट कैसे देखें, उसके लिए आपको उस अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे हम अपने अटेसर को सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट साइड को हम ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर 2017 और 18 के अंतर्गत 106 लोगों का जो है कि शौचालय में नाम है, और 2019 और 20 के अंतर्गत 169 लोगों का नाम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों लिस्ट के अंदर हमारा नाम है कि नहीं है। जैसे आपका नाम 2006 के लिस्ट में है तो आपको 2006 पर क्लिक करना होगा और उसके अंदर अपना नाम हेरना होगा। तो आप और आपका नाम एक आदि 2018-19 के अंतर्गत है तो 2018-19 पर क्लिक करना होगा। जैसे हम 2018-19 के अंतर्गत क्लिक करेंगे तो हमारे गांव के जितने भी लोगों का नाम है इसके अंतर्गत उसका जो है कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, और आप देख सकते हैं उन लोगों का नाम आ चुका है। दोस्तों इसी प्रकार आप अपना भी नाम ढूंढ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि हम कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले पहले मिले।